हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग 1922 के बाद आप क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ रहे थे। और क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण पढ़ाते समय कल मैंने आपको कहा था कि अब मैं बंगाल का जो क्रांतिकारी आंदोलन चरण है दूसरे चरण का वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल शुरू करने से पहले कल क्लास में कुछ बताने में छूट गया था, वो सब मैं चाह रहा हूं कि पूरा कर दूं। जैसे कि 8 अप्रैल 1929 को मैंने बताया था कि दिल्ली में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंके थे वो भगत सिंह फेंके थे। शायद मैंने भगत सिंह का तो नाम बता दिया था लेकिन बटुकेश्वर दत्त का नाम नहीं बताया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और बटुकेश्वर दत्त को, क्योंकि इन्होंने भी लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था भगत सिंह के साथ, इनको जो है आजीवन काला पानी का सजा दे दिया गया था और इनको भेज दिया गया था सेलुलर जेल, अंडमान में सेलुलर जेल है वहीं इनको भेज दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में शिव वर्मा को भी आजीवन कारावास मिला था, शिव वर्मा को भी आजीवन कारावास मिला था। अच्छा, सांडर्स की जो हत्या किए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, लाहौर षड्यंत्र केस जिसको कहते हैं, तो सांडर्स जो है लाहौर का सहायक पुलिस अधीक्षक है। परीक्षा में कहीं पूछ लिया कि सांडर्स किस पोस्ट पर था, तो सहायक पुलिस अधीक्षक था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं बंगाल, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। बंगाल, बंगाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वह घटना हुआ 12 जनवरी 1924 को। एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था गोपीनाथ शाह और उस समय कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टेगार्ट। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स टेगार्ट। तो गोपीनाथ शाह ने चार्ल्स टेगार्ट पर गोली चलाया। कौन थे वह? कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टेगार्ट। चार्ल्स टेगार्ट कलकत्ता के बाद काफी बदनाम पुलिस कमिश्नर थे। 1923 से लेके 1931 तक वह कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे और गोपीनाथ शाह ने पुलिस कमिश्नर के कुर व्यवहार के कारण गोपीनाथ शाह ने चार्ल्स टेगार्ट पर गोली चलाया। लेकिन गोली चार्ल्स टेगार्ट को नहीं लगा, लग गया अर्नेस्ट डे को। निशाना चूक गया और गोली लग गया अर्नेस्ट डे को। यह पहला जो क्रांतिकारी 1922 के बाद यह इंपॉर्टेंट घटना देखने को हम लोगों को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट घटना आपको पूर्वी बंगाल में देखने को मिलता है, आज का पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में चटगांव एक जगह है। चटगांव में मास्टर दा के नाम से एक क्रांतिकारी काफी मशहूर थे, उनका नाम था सूर्य सेन। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों को संगठित किया, बंगाल के क्रांतिकारियों को, और रिवोल्ट ग्रुप का स्थापना किया। क्रांतिकारी रिवोल्ट ग्रुप का स्थापना किया। चटगांव में इन्होंने जो क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया तो सुरसेन ने तो बनाया इंडियन रिवोल्यूशनरी ग्रुप, सॉरी इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, IRA। मास्टर सुसेन ने IRA की स्थापना किया,
इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन का इन्होंने स्थापना किया। इसके जो इंपॉर्टेंट सदस्य थे वो थे प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, उसके बाद अनंत सिंह, कल्पना दत्त, लोकीनाथ बादल, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, अनंत सिंह, लोकीनाथ बादल, उसके बाद अंबिका चक्रवर्ती, ये सब जो थे इस आईआरए के काफी इंपॉर्टेंट सदस्य थे। अठारह अप्रैल 1930 को इन लोगों ने, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट थे आईआरए के गणेश घोष भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे आईआरए के सदस्यों में। 18 अप्रैल 1930 को सुरसेन या मास्टर दा के नेतृत्व में इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ने जो है विद्रोह कर दिया और युद्ध का घोषणा कर दिया और चटगांव शस्त्रागार है अंग्रेजों का था उस पर हमला कर दिया 18 अप्रैल 1930 को। और यह घट उसके बाद 22 अप्रैल 1930 को अंग्रेजी सेना में और सुरसेन की जो इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी आईआरए का फुल फॉर्म है इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी, ठीक। और आईआरए की जो आर्मी थी, इंडियन रिवोल्यूशनरी की जो आर्मी थी और ब्रिटिश सेना में लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में 80 जो है ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 12 जो है इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी के सैनिक मारे गए, इसको ध्यान में रखेंगे। 22 अप्रैल 1930 को। उसके बाद 16 फरवरी 1933 को सुरसेन को गिरफ्तार कर दिया गया अंग्रेजों ने 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया। तो जब गिरफ्तार इनको कर लिया 16 फरवरी 1933 को तो इनको फांसी दे दिया गया 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दिया गया अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया। लेकिन इनके दो इंपॉर्टेंट सहयोगी थे, उनमें एक सहयोगी का नाम था आपको प्रीति लता वाडेकर काफी इंपॉर्टेंट महिला थी और इन्होंने अंग्रेजों के गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट थी कल्पना दत्त, सुरसेन की सहयोगिनी थी, इनको जो है आजीवन कारावास मिला था। फिर बंगाल में जो है सुरसेन के गिरफ्तारी चफासी के बाद, कल्पना दत्त के आजीवन कारावास के बाद और प्रीति लता वाडेकर की आत्महत्या के बाद बंगाल में अब कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। फिर जो है सुभाष चंद्र बोस का एंट्री होगा तो उसको हम लोग क्रांतिकारी अप्रोच तो जरूर था सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन भारतीय इतिहासकार उसको जो है एक सामान्य धारा में लेते हैं, उनका एक सुभाष चंद्र बोस को एक अलग धारा में लेते हैं, तो खैर उसको हम जब देखेंगे तो देखेंगे। लेकिन अब ये समझिए कि सुरसेन और मास्टर दा की गिरफ्तारी के साथ ही जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों ने बुरी तरह उसका दमन किया और उसको समाप्त कर दिया। तो यह हो गया बंगाल। बंगाल में कुछ और चीज भी है, बंगाल में दो स्टूडेंट थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष, दो स्टूडेंट थी। दोनों स्टूडेंट क्या की, बंगाल में एक जगह तिवेरा, वहां के डीएम जिलाधिकारी थे स्टीवेंसन,
स्टीवेंसन पर इसने गोली चला दी। टिवेरा के डीएम थे स्टीवेंसन पर, एक दो स्टूडेंट थी बंगाल की, सुनीति चौधरी और शांति घोष ने गोली चला दिया। ये बहुत ही, उसके बाद 1932 में सुनीति चौधरी, शांति घोष, टिवेरा के डीएम पर जो स्टीवेंसन पर गोली चलाई थी वो दिसंबर 1931 में चलाई थी। दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष, जो बंगाल में एक स्टूडेंट थी, उसने टिवेरा के डीएम स्टीवेंसन पर गोली चला दी। 1932 में बंगाल में जो है दीक्षांत समारोह चल रहा था, तो गवर्नर पर गोली चला दी थी बीना दास। बीना दास जो थी उसने जो है बंगाल के गवर्नर पर दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चला दिया था। तो यह सब जो है बंगाल में छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, लेकिन ये महिलाएं लोग काफी, आप कह सकते हैं कि कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, शांति घोष विद्यार्थी थी, अब बीना दास जैसी महिलाएं थी बंगाल में। तो बंगाल की महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, या वो स्वदेशी आंदोलन की बात हो, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, इतना तक कि चुनी पहनने से इनकार कर दिया था, जो उनके सुहाग का प्रतीक है, बिंदी लगाने से इनकार कर दिया था। तो खासकर बंगाल की महिलाओं ने काफी जो है क्रांतिकारी विधान दिखाया, जब मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की हर धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कहीं की महिलाएं थी तो बंगाल की ही महिलाएं थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से बंगाल का स्वतंत्रता, बंगाल का क्रांतिकारी जो आंदोलन है वह समाप्त हो गया। लेकिन हम इसको समाप्त करने से पहले कुछ क्रांतिकारी पुस्तकों की चर्चा करना चाहते हैं। जैसे मैं नास्तिक क्यों, ये कौन लिखा था, तो ये मैंने बताया था आपको, भगत सिंह लिखे थे। मैं नास्तिक क्यों हूं, कल इस पर चर्चा हुआ था, लेकिन फिर भी आज मैं बता रहा हूं, भगत सिंह। समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, ये पुस्तक किसका है, तो समाजवाद जो है क्यों, ये जयप्रकाश नारायण का है। ये किसकी किताब है, जयप्रकाश नारायण का है। पाथेर दाबी किसका है, ये भी क्रांतिकारी पुस्तक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है। उसके बाद भारत माता किसका किताब है, भारत माता, ये अजीत सिंह लिखे थे। ये भारत माता कौन लिखे थे, अजीत सिंह लिखे थे। भवानी मंदिर कौन लिखा था, ये भी मैंने साथ चर्चा किया है, भवानी मंदिर लिखे थे बारिंद्र घोष, भवानी मंदिर बारिंद्र घोष लिखे थे। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, इस सब पर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस सब पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। युगांतर किसका था, युगांतर 1906 में प्रकाशित हुआ था, बारिंदर घोष थे, सॉरी बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर 1906 में प्रकाशित होने वाली मैगजीन था, उसको बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है प्रकाशित किया था। 1906 में ही आपको संध्या नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था बंगाल से ही, 1906 में संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो यह सब जो है आपका कुछ समाचार पत्र जो क्रांतिकारी दर्शन से बंधा हुआ था। कल मैंने भगवती चरण बोहरा की किताब का चर्चा किया था, भगवती चरण बोहरा की फिलोसफी ऑफ बम, और यह बम इसलिए लिखा गया था कि लोगों को यह समझाया जा सके कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत में क्यों जरूरी है, उसके लिए मनस्थिति तैयार किया जा सके, यह मैंने आपको बताया था। कुछ क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, जैसे मित्र मेला चर्चा हो चुका है, बी डी सावरकर ने किया था 1899 में, नासिक में किया था। यही मित्र मेला जो है आपको 1904 में अभिनव भारत में बदल गया, नासिक में। और एक और है युगांतर, युगांतर भी जो है क्रांतिकारी संगठन थी, युगांतर समाचार पत्र भी था, लेकिन युगांतर जो है एक क्रांतिकारी संगठन भी था। इसका संस्थापना 1906 में बारिंदर घोष ने किया था। ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में सबसे भी सवाल आ जाता है।
काल भी एक आतंकवादी समाचार पत्र था जो यहां से प्रकाश भारत से समाचार प्रकाशित नहीं होता था, वो लंदन से प्रकाशित होता था। खैर वो सब हम जब विदेशों में समाचार पत्र, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो यह हो गया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। लेकिन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ इस समय में देखा गया कि विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की अनुगूंज सुनाई दी, खासकर 1915 से पहले। तो वो सब चर्चा हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।